स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मैसनरी एंड वॉल्स में कैविटी वॉल क्या होता है। कैविटी वॉल वो डबल वॉल होती है, वो कंसिस्ट करती है डबल वॉल ऑफ टू सेपरेट वॉल्स कॉल्ड एज, उसको अपन स्किन या लीफ कहते हैं, ऑफ मैसनरी सेपरेटेड बाय एन एयर स्पेस। दो वॉल्स होती हैं ब्रिक की, उसके बीच में एक गैप रहता है एयर का और वो मेटल से टाई किया जाता है। ठीक है, मेटल पिन से अपन उसको टाई करते हैं, जॉइंट टुगेदर बाय मेटल टाइज एट सुटेबल इंटरवल। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, कैविटी वॉल और अ हॉलो वॉल कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वॉल्स कॉल्ड एज लीव्स और स्किन कहते हैं, विथ अ कैविटी और अ गैप इन बिटवीन, उन दो वॉल के बीच में गैप होता है। द टू लीव्स ऑफ अ कैविटी वॉल मे बी, वो इक्वल थिकनेस की भी हो सकती है, अगर वो नॉन लोड बेयरिंग वॉल है तो, दैट इज नॉन लोड बेयरिंग वॉल मतलब सिर्फ वो अपने वेट ही सपोर्ट कर सकती है, और इंटरनल लीव जो होती है मतलब इंटरनल ब्रिक वॉल जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा हो सकती है काय से, एक्सटर्नल वॉल से। ठीक है, टू मीट दी स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, कोई स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर वीक ना हो जाए इसलिए इंटरनल वॉल की थिकनेस ज़्यादा हो सकती है। द टू पोर्शन ऑफ वॉल मे बी कनेक्टेड टूगेदर बाय मेटल पिंस एट सुटेबल इंटरवल। The walls are generally exterior walls, although sometimes used as, ये वॉल एक्सटीरियर वॉल्स ज़्यादा यूज होती हैं और इस ये समटाइम्स इंटीरियर वॉल की तरह भी यूज होती है। अब पर्पस क्या होता है कैविटी वॉल को प्रोवाइड करने का? ठीक है, अब उसमें होता है डैम प्रिवेंशन, मतलब आपकी जो बाहर वाली वॉल है उससे जो मॉइस्चर है वो अंदर एंटर ना हो पाए, अगर मॉइस्चर एंटर होगा तो आपकी वॉल को वीक करेगा। डैम नंबर वन इज डैम प्रिवेंशन, कैविटी वॉल्स रिमूव द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम आउटर लीफ टू इनर लीफ एंड दस हेल्प टू कीप इनसाइड द बिल्डिंग फ्री फ्रॉम डैम्पनेस, दैट इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है, अब ये साउंड इंसुलेशन भी होता है, साउंड इंसुलेशन मीन्स वॉट, एक्ट ऑफ कवरिंग टू स्टॉप वॉट, हीट साउंड और मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग। The air in the cavity acts as a cushion for absorbing sound by adopting cavity walls. ये sound cavity walls जो होती है sound insulation means ये sound proof होती है, ये इस पर आपको अंदर जो है external noise नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ अभी diagram के through. Sound by adopting cavity wall in building, it is soundproof, external noise gets absorbed in the cavity. अब number three होता है thermal insulation, that is heat जो है वो वॉल के अंदर नहीं आती। कैविटी वॉल आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड बाय गिविंग बेटर थर्मल इंसुलेशन टू द बिल्डिंग। फोर्थ इज इकोनॉमी, कैविटी वॉल इज हैव अबाउट 25% ग्रेटर इंसुलेशन देन सॉलिड वॉल्स, सॉलिड वॉल्स जो नॉर्मल वॉल्स बिल्ट होती है तो इनका जो इंसुलेशन होता है वो 25% ज़्यादा होता है कैविटी वॉल का। अब आप देख सकते हैं ये आपकी एक नॉर्मल डायग्राम है जिसमें ये आउटसाइड वॉल है, ये इनसाइड वॉल है, दैट इज कैविटी वॉल इंसुलेशन जो ये बीच में प्रोवाइड करी गई है, इसमें मेटल पिन होता है, मैं आपको और डायग्राम से बताता हूँ। देखिए ये आरसीसी स्लैब प्रोवाइड किया, ये एयर स्पेस है बीच में, ये आपकी दो वॉल्स है, दिस इज एक्सटर्नल वॉल दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्किन और ये इंटरनल है। ठीक है, ये ओपनिंग्स प्रोवाइड करी, दिस इज डीपीसी दैट इज डैम प्रूफ कोर्स एंड ये फाउंडेशन ऑफ कॉन्क्रीट, डैम प्रूफ कोर्स इज प्रोवाइडेड कि वाटर एब्जॉर्प्शन या मॉइस्चर उसमें ना आए, इसलिए अपन डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक, ये कैविटी वॉल है। ये एक और डायग्राम है, इस पर आप देखिए ये आपकी दो वॉल्स हैं, एक आउटर वॉल हो गई, ये आपकी इनर वॉल हो गई, ये ब्रिक्स हैं, ये मोर्टार जॉइंट्स प्रोवाइड किया है, जो एयर स्पेस होता है बीच में ये जनरली जो होता है ये होता है 2 inches का। ठीक है, एयर स्पेस बीच में प्रोवाइड करते हैं और अपन इसको क्या करते हैं, एयर स्पेस में जनरली अपन एक केमिकल आता है उसको अपन पॉली यूरीथेन कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब आपने वॉल या तो कंस्ट्रक्ट कर दी या आप कंस्ट्रक्शन पहले कर लीजिए उसके बाद उसमें होल करके पाइप के थ्रू मशीनरी के थ्रू एक फोम वर्क प्रोवाइड किया जाता है जो एयर स्पेस को फिल कर देता है। ठीक है, वो फोम वर्क का मैंने आपको अभी बताया कि वो केमिकल है। ठीक, ये आपकी मेटल टाई हो गई, ये इसके बीच का स्पेस होता है तो वो भी स्पेस फोम के थ्रू फिल हो जाता है, ये मोर्टार जॉइंट्स हो गए, ये फाउंडेशन वॉल, ये डायग्राम आप बना के आइएगा। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी वॉल क्या होता है, टू लीव्स ऑफ कैविटी वॉल मे बी इक्वल
or be of equal thickness if non load bearing walls, if it is non load bearing wall, or internal thickness, leaf thickness may be greater. अपन उसको इंटरनल जो लीफ है आपकी इंटरनल वॉल है ब्रिक की उसको ज्यादा भी रख सकते हैं. द इनर एंड आउटर स्किन ऑफ वॉल आर एडिक्वेटली टाइट टूगेदर, प्रॉपर टाई किया जाता है. एट द रेट 5 टाइज प्रोवाइड किए जाते हैं पर स्क्वायर मीटर पर वॉल पे, ठीक है. एट द रेट 5 टाइज पर स्क्वायर मीटर ऑफ वॉल, ठीक है, आर प्रोवाइडेड. द कैविटी वॉल शुड नाइदर बी लेस देन 40 mm से कम की नहीं होनी चाहिए और 100 mm से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए. 40 mm 4 cm to 10 cm उसकी विड्थ होती है उसके बीच में, ठीक है. और अब उसकी पोजीशन ऑफ कैविटी वॉल क्या होता है. द कैविटी वॉल एक्सटेंड्स राइट अप टू द बेस ऑफ द फुटिंग विद डीपीसी. अपन ने पीछे डायग्राम में देखा डीपीसी जो है वो ग्राउंड लेवल से नीचे बेस ऑफ फुटिंग पे प्रोवाइड करी गई है. विद डीपीसी इंट्रोड्यूस जस्ट बिलो फ्लोर लेवल 100 mm to 300 mm, ठीक है, इतने की प्रोवाइड करते हैं अपन डीपीसी. इफ द ब्रिक वर्क इज नॉट केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वॉल विल एंटर थ्रू जॉइंट्स, वाटर विल एंटर थ्रू जॉइंट्स. अगर आपने ब्रिक वर्क प्रॉपर कंस्ट्रक्ट नहीं किया तो जो आपका वाटर है वो एंटर हो जाएगा जॉइंट्स पे और आपकी वॉल जो है वो वीक हो जाएगी. अब इस कैविटी वॉल के कुछ एडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस क्या क्या हैं, जैसे कि एक तो ये आपकी साउंड प्रूफ वॉल है, डैम प्रूफ है, ठीक. देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन इनर एंड आउटर लीव्स ऑफ द वॉल, दोनों वॉल में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है. कैविटी वॉल ऑल्सो ऑफर गुड इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड एंड डैम्पनेस एंड थर्मल ऑल्सो. द एक्सटर्नल मॉइस्चर कैनॉट ट्रेवल इन साइड द बिल्डिंग, जो मैंने आपको समझाया अभी. कैविटी वॉल्स हैव 25% ग्रेटर इंसुलेटिंग वैल्यू देन द सॉलिड वॉल्स. एंड लास्ट में जो मटेरियल अपन यूज करते हैं जिसको होल्ड करके या जब कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी वॉल कर रहे हैं, जिसको एयर स्पेस है बीच में प्रोवाइड किया जाता है बाई पाइप से, तो वो होता है पॉलीयूरिथेन जो अपन प्रोवाइड करते हैं उसको, फोम वर्क उसको फिल कर देते हैं जो गैप है पूरा. तो ये आपकी हो गई कैविटी वॉल. अब अपन पढ़ते हैं लोड बेयरिंग वॉल क्या होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता ही आता है, इसको अच्छे से पढ़िएगा. अब लोड बेयरिंग वॉल वो वॉल होती है जो स्ट्रक्चर का लोड बियर करती है, ठीक है, बीम का भी बियर करती है और अपर फ्लोर्स का भी अपने ऊपर खुद लेती है, ठीक. वो वॉल को अपन लोड बेयरिंग वॉल कहते हैं. लोड बेयरिंग वॉल इज द वॉल दैट बियर्स अ लोड रेस्टिंग अपॉन इट, ठीक. अ वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट अबव स्लैब्स, जो अबव स्लैब को सपोर्ट करती है, और अदर बिल्डिंग एलिमेंट्स, अदर बिल्डिंग एलिमेंट्स लाइक बीम, ठीक, इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लोड बेयरिंग वॉल. द मटेरियल ऑफन यूज टू कंस्ट्रक्ट लोड बेयरिंग वॉल्स इन लार्ज बिल्डिंग आर वॉट, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स और ब्रिक्स. अब ब्रिक्स जो रहेगी लोड बेयरिंग वॉल में मिनिमम 9 inches की रहेगी, और अगर आप कॉन्क्रीट ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हो तो या वो तो 4 inches के होंगे या 8 inches के होंगे, ठीक. अ लोड बेयरिंग वॉल सपोर्ट्स द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर सच एज फ्लोर इक्विपमेंट फर्नीचर एक्सेट्रा. तो भाई लाइव लोड डेड लोड सब सपोर्ट करती क्या, लोड बेयरिंग वॉल, दैट इज वॉट, फर्नीचर, पीपल, फिर फ्लोर्स, इक्विपमेंट्स जो जो घर में होते हैं, ठीक. इट कैरीज द वेट ऑफ हाउस फ्रॉम रूफ टू अपर एंड अपर फ्लोर्स. भाई रूफ का लोड डायरेक्ट कैरी करती है लोड बेयरिंग वॉल, मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा. इट कैन ऑल्सो सपोर्ट स्ट्रक्चर मेंबर लाइक बीम, स्लैब, वॉल ऑन द ऑफ अबव फ्लोर्स, और अबव फ्लोर्स भी सपोर्ट करती है. लोड बेयरिंग वॉल्स ऑल्सो कैरी देयर ओन वेट, वो खुद का वेट भी जो है वो मतलब कैरी करती है. लोड बेयरिंग वॉल्स कैन बी यूज एज इंटीरियर और एक्सटीरियर, दोनों की तरह अपन इसको यूज करते हैं. इसको हाउस में भी बिल्ड कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट इस पर स्ट्रक्चर भी बिल्ड कर सकते हैं एक्सटीरियर वॉल्स के थ्रू. अब ठीक है, कॉन्क्रीट इज आइडियल मटेरियल टू सपोर्ट दीज लोड्स, ठीक. अब चार टाइप के होते हैं जनरली क्या लोड बेयरिंग वॉल्स क्या क्या होती है. प्री कास्ट कॉन्क्रीट वॉल, रिटेनिंग वॉल, मैसनरी वॉल और इंजीनियरिंग ब्रिक वॉल. तो ये लोड बेयरिंग वॉल हो गई, ठीक. अब इसमें आप देखिए ये लोड है, मैं इसका डायग्राम बता रहा हूँ आपको, ये डायग्राम ऐसे मिलेंगे नहीं. इस पे लोड आ रहा है, ये कोई भी हाउस बिल्ट है, ये आपकी बीम है, ये जो वॉल है ये है लोड बेयरिंग वॉल, जो स्ट्रक्चर का सपोर्ट डायरेक्टली फाउंडेशन में प्रोवाइड कर रही है. आपका कॉन्क्रीट स्लोब है और ये कॉन्क्रीट फुटिंग है, ये आपकी एक्सटीरियर वॉल, लोड बेयरिंग एक्सटीरियर भी हो सकती है, ठीक. ये पूरा जो लोड है स्ट्रक्चर का, जो रूफ का ट्रस का आ रहा है, वो लोड बियर कर रही है,
ठीक, दिस इज लोड बेयरिंग वॉल। अब नेक्स्ट इज नॉन लोड बेयरिंग वॉल। अब नॉन लोड बेयरिंग वॉल वो वॉल होती है जो सिर्फ खुद के वेट का सपोर्ट करती है, ये पार्टीशन वॉल भी कहते हैं अपन इसको। नॉन लोड बेयरिंग वॉल कैरी ओनली देयर ओन वेट, ठीक है, ये वॉल्स बीम्स का इनका लोड कैरी नहीं करती। नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स इनसाइड अ प्रॉपर्टी दैट डू नॉट सपोर्ट एनी स्ट्रक्चरल वेट ऑफ बिल्डिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दिस टाइप ऑफ वॉल इज यूज टू क्लोज इन स्टील और कॉन्क्रीट फ्रेम बिल्डिंग में यूज होती है। अ पार्टीशन वॉल इज थिन इंटरनल वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू डिवाइड द स्पेस बिटवीन द बिल्डिंग इनटू रूम्स। ये नॉर्मल कंस्ट्रक्ट होती है दो रूम को डिवाइड करने के लिए, नॉन लोड बेयरिंग वॉल, ठीक। एंड एरियाज जनरली पार्टीशन वॉल्स आर नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स, ठीक, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। अ वॉल विच डज नॉट हेल्प द स्ट्रक्चर टू स्टैंड अप एंड होल्ड अप, दैट इज नॉन लोड बेयरिंग वॉल। लोड बेयरिंग वॉल एंड नॉन लोड बेयरिंग वॉल में आपको डिफरेंस आ सकता है, इसलिए इन दोनों वॉल्स को विथ डायग्राम विथ पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से पढ़िए। दे आर बिल्ट लाइटर टू रिड्यूस द डेड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। ये लाइटर वॉल होती है तो इटसेल्फ जो वेट होता है वॉल का वो कम होता है, दैट इज डेड लोड वेट ऑफ स्ट्रक्चर। A non-load bearing wall does not support floor roof loads above. भाई floor का roof का load support नहीं करती, ये non-load bearing wall होती है। और अपन non-load bearing wall को remove भी कर सकते हैं, मतलब वो safety रहती है उसमें, ऐसा dangerous नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपने structure को support नहीं कर रहा, तो remove करने में कोई problem नहीं जाती, ठीक। अब इसके क्या चार टाइप होते हैं नॉन लोड बेयरिंग वॉल की। एक होता है हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक वॉल, एक होती है ब्रिक वॉल, एक हॉलो ब्रिक वॉल, ये हॉलो कॉन्क्रीट ब्लॉक वॉल है, ठीक, और एक होती है फेकेड ब्रिक वॉल, ठीक। अब आपके लिए ये डायग्राम है, ये एक रूफ ट्रस है, आप देख सकते हैं ये उसकी बीम है। इसमें ये वाली जो वॉल है आप देख रहे हैं, ये वाली जो वॉल है जो आपके स्ट्रक्चर को, ये आपकी लोड बेयरिंग वॉल है, जो साइड साइड एक्सटर्नल वॉल्स जो है, ये देखिए नॉन लोड बेयरिंग वॉल सिर्फ पार्टीशन का काम कर रही है किसी रूम में, ठीक, वो किसी चीज को सपोर्ट नहीं ले रही, क्योंकि ये मेन वॉल जो आपकी लोड बेयरिंग वॉल है ये सपोर्ट ले रही है आपके रूफ का, आपके बीम का, ठीक है। दिस इज द डायग्राम फॉर नॉन लोड बेयरिंग वॉल, और ये आपकी बेयरिंग बीम है, ये आपका कॉलम है। तो ये डायग्राम है नॉन लोड बेयरिंग वॉल का, बेयरिंग वॉल का। तो आप लोड बेयरिंग वॉल और नॉन लोड बेयरिंग वॉल अच्छे से समझ लीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।